नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हाजिर है एक लेटेस्ट लीगल वैकेंसी के साथ। ये वैकेंसी आपकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से है। पोस्ट का नाम है लीगल कोऑर्डिनेटर। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन वाले सेक्शन से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सेल नंबर फर्स्ट पर आप देख सकते हैं नोटिस यहाँ पर है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इंगेजिंग एज कोऑर्डिनेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसकी जो पब्लिकेशन डेट है वो है 4th of May 2023। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विधिक पल को और पाइए लेटेस्ट लीगल जॉब की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों आप इसके हेड्स में देख सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन न्यू दिल्ली, नोटिफिकेशन डेटेड है 4th of May 2023। वैकेंसी नोटिस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन प्रपोजेज टू इंगेज वन कोऑर्डिनेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इवेलुएट एंड प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको सेमिनार वगैरह कंडक्ट करने होंगे, वुमेन रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी, रिव्यू करने होंगे वेरियस एक्ट्स एंड मेक रिकमेंडेशन। आप यहाँ से डिटेल से चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो कि एक सेट फॉर्मेट में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है उसे प्रिंट करा के आपको मैनुअली फिल करना होगा। उसके साथ आपके सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे और आपको सेंड कर देना होगा इस गिवन एड्रेस पे टू द जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, प्लॉट नंबर 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110025। इसी नोटिफिकेशन में आपको एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो अटैच मिलेगा, इसको आपको प्रिंट करा के मैनुअली फिल करना होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं आपको यहाँ फ़ोटो अफेक्स कर लेनी है, बेसिक डिटेल रहेगी आपकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल, एक्सपीरियंस है अगर तो मेंशन करिए और इस तरह से आप इस फॉर्म को कम्प्लीट कर पाएंगे। दोस्तों अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, पोस्ट का नाम है कोऑर्डिनेटर, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो एक, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर्स डिग्री इन लॉ यानी आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, वेदर 3 ईयर और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। इसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट लीगल फील्ड में, दैट मीन्स इन जेंडर रिलेटेड इशूज़। एज की बात करें नॉट मोर देन 50 ईयर यानी आपकी एज 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं रिमोनरेशन या मंथली कंसोलिडेटेड पे की बात करें तो वो होने वाला है आपका 50,000 पर मंथ का। दोस्तों इसके नोटिफिकेशन में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो वैकेंसी में ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।